हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि हमारी यूनिवर्स में एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम अगर सॉलिड में कन्वर्ट करें तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स कि उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग फैक्टर? क्या आप जानते हैं वो कौन है? कौन सा लिक्विड है वो? वो है वाटर। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, और उसका रीजन है कि वाटर की अरेंजमेंट आइस में डिफरेंट होगी और लिक्विड में थोड़ी डिफरेंट। जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आ जाती है, जिससे कि उसके बीच में एम्प्टी स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा। बट जब हम उसे मेल्ट करेंगे तो वो क्लोज आएंगे और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। एंड जब 4 के आगे अगेन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसका वॉल्यूम अगेन एक्सटेंड करना शुरू कर देगा। है ना इंटरेस्टिंग? और यहाँ पर हमारे पास है ये ग्राफ जिसमें आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। जब हमारे पास टेम्परेचर कम था हमारे पास आइस थी। जब टेम्परेचर 0 डिग्री के पास पहुंच गया तब भी आइस है और ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और 4 डिग्री सेल्सियस के पास हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम है। और जब टेम्परेचर 4 डिग्री से ऊपर गया, जब 100 डिग्री के पास पहुँचा तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया। और आगे तो आपको पता है कि जब स्टीम बनेगी तो उसका वॉल्यूम तो मैक्सिमम होगा क्योंकि वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यही है रीज़न कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी है। इसी तरह के फैक्ट जानने के लिए हमें YouTube के ऊपर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, शेयर इट।